आओ बेटी। क्यों बेटी, लड़के से कुछ बात करनी है क्या? मेरे मम्मी पापा ने देखकर हाँ कर दिए, अब मैं इनसे और क्या बात करूंगी। ये क्या, ये कपड़े क्यों पहने हैं? साड़ी कहाँ है, जेवर कहाँ है? फिर सपना देख रही थी, आपको और कोई काम नहीं है क्या? तुम शादी करके बच्चे पैदा कर लोगी तो मैं इनमें सपने क्यों देखूंगी भला? पता नहीं इस जन्म में इस घर में खुशी का माहौल बन पाएगा या नहीं, ये तो भगवान ही जाने। गांव वालों के लिए बाद में खाना बना लेना, पहले मेरे लिए नाश्ता बनाइए। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। क्या न्यूज है? क्या रहेगा, सेम ओल्ड थिंग, क्राइम हियर एज स्कैम देयर। कुछ बदलेगा थोड़ी? देश को सुधारने के बारे में सोचो, बेटी की शादी के बारे में नहीं। ये शुरू हो गई सुबह सुबह। रुकेंगी तब ना, नींद में भी यही बात करती हैं। बाय डैडी। बाय बेटी। बस बेटी को हाथ हिलाते हुए ऑफिस भेजना है या पैर धोकर ससुराल भी भेजना है इसे? हाँ सचिन जी, नहीं रुको ना, पहुँच रहा हूँ, ऑन द वे हूँ। सचिन जी वेटिंग। भूमि, सुपरमार्केट की तरफ जा रही हो ना? हाँ। मुझे वहाँ ड्रॉप कर देना। नहीं कर सकती। ये क्या, कार खाली ही तो है ना? कार खाली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसमें सवारी को बिठाती जाऊँ, ये कोई शेयर ऑटो नहीं है। क्या चल रहा है? फोटो सेशन फॉलोवर्स के लिए मैम, हैशटैग मंडे मोटिवेशन। सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल जो देखेगा उसे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? मैडम, एक्चुअली तुम्हें नहीं, पर फोन में जिसने फ्रंट कैमरा बनाया है ना, उसे चप्पल से मारना चाहिए। पर क्योंकि मैं उसे नहीं मार सकती, इसलिए कल से ऑफिस में फोन बैन हो जाएगा। हाय मैम, मैम हमारी फैक्ट्री कम वेयर हाउस कम ऑफिस के लिए एक ब्यूटीफुल प्लान तैयार किया है, श्योर यू विल लव इट, चेक इट आउट। कैसा लगा मैम? अच्छा है। थैंक यू। अपने घर में यूज करना। सॉरी मैम, ये कोई हॉस्टल नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से आओ, ऑफिस है। सिर्फ 10 मिनट्स लेट हुआ है। 10 मिनट्स? हॉलीडेज निकाल दो तो वर्किंग डेज हैं 280। रोज अगर 10 मिनट लेट आई तो साल के 2800 मिनट्स लेट, मतलब तकरीबन 47 आवर्स। रोज के 9 वर्किंग आवर्स मतलब रफली 5 डेज। तो तुम्हारी डेली पे कितनी है, टोटल 5 डेज का कितना लॉस होगा, तुम कैलकुलेट कर लो। बाप रे, इससे जो भी शादी करेगा ना। हाँ जो भी शादी करेगा वो क्या? मैंने ऐसा कब कहा मैम? वो फोन मुझे दो। दो। इस मंथ की सेल्स रिपोर्ट इवनिंग तक मेरी टेबल पर होनी चाहिए। मैम रिपोर्ट दे देना और फोन ले लेना। अंकल गुड मॉर्निंग, आइए ना। हाय मॉर्निंग। प्लीज कम इन। सो दिस इज द प्रोजेक्ट आईडिया अंकल। नाइस। या एंड दिस कॉन्सेप्ट इज प्रीटी गुड। आई लाइक दैट टू। या अरे बेटी, सबको डरा के रखोगी तो कैसे चलेगा? जिम्मेदार तो वैसे भी नहीं है अंकल, कम से कम डर तो होना चाहिए। मैं एमडी हूँ, ये भूलकर तुम मुझे भी डांट दोगी, इसका डर है। नहीं नहीं। और बताओ क्या खबर है, तुम्हारी माँ क्या कह रही है? शादी के पीछे पड़ी रहती हैं, रिश्ते के लिए लड़कों को घर पर बुलाना चाहती हैं, पर मैं डांट देती हूँ तो खुद जाकर मिलती हैं। बेचारी, क्या तुम उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकती हो? किसी के साथ लाइफ लॉन्ग साथ रहना है तो कनेक्शन तो होना चाहिए ना। तुम्हारा जिसके साथ कनेक्शन होगा, पता नहीं वो कितने समुद्र पार होगा।
हाय हाय पेरिस से अर्जेंटली बुला लिया, कोई काम है क्या? इंडिया जाने के लिए। अब वहां क्यों जाना है? तू तो देख ही रहा है ना, जहाँ कहीं भी देखो बस काला कोट सफेद दाढ़ी। बाहर आके देखने की सोचू तो आकाश को ठक लिया ऐसी बिल्डिंग्स, जमीन दिखाई ना दे इतनी कार्स है। कितने दिन बीत गए यार, वो पेड़ वो खेत, और बाहर आके देखो तो वो साड़ी चूड़ीदार देखकर। तो क्या कहना चाहते हैं आप? इंडिया में एक प्रोजेक्ट टेकअप करने के लिए हम बहुत समय से सोच रहे थे ना। सोच रहे थे, उन्हें फोन करके बोल दो कि हम टेकअप कर रहे हैं। मोनोटनी से ब्रेक चाहिए यार। ब्रेक ले लो यंग मैन। हाय सर, मेरे दिए गए ब्रेक के बाद तुम्हें अपना ब्रेक लेके आना होगा। हैव अ सीट सर। थैंक यू। डायस पर देखा तो होने वाले बिलियनियर की तरह नजर आए, यहाँ देख रहा हूँ तो कॉलेज जाने वाले मेरे बेटी की तरह नजर आ रहे हैं। ओके, तो सीधे पॉइंट पे आता हूँ। श्योर सर। तुम्हारा बैंक बैलेंस 200 करोड़ तक बढ़ जाए ऐसी तुम्हें एक डील देता हूँ। 200 करोड़ अगर ठीक लगी तो कल ही हो जाएगी। थैंक यू बट नो थैंक्स सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, 200 करोड़। दो के बगल में पूरे 90। मैंने कहा ना, नॉट इंटरेस्टेड। कॉलेज के बच्चों की तरह बातें कर रहे हो, सोच तुम्हारी अभी भी वैसी ही है। पैसे जरूरी तो हैं, पर सिर्फ पैसे ही जरूरी नहीं है। नाइस मीटिंग यू। हे, 200 करोड़ यार, उनकी बात सुनकर मेरी तो बोलती बंद हो गई यार, और तुमने इतनी आसानी से मना कर दिया। तो उसके 200 करोड़ के बारे में सोचना बंद करके हाँ? पहले इंडिया जाने के लिए 2 टिकट बुक करने के बारे में सोच। हाँ। क्यों मैडम, उसने जो लड़का देखा वो भी ओके नहीं हुआ क्या? नहीं, लड़के ने फोटो देखकर हाँ कह दिया तो मैं खुश हो गई थी, पर मेरी बेटी ने तो फोटो देखे बिना ही उसे ना कह दिया। कोई बात नहीं मैडम, वो लड़का वैसे भी एवरेज था। सच में क्या? हाँ। जरा इसे एक बार देखो तो। एक बात कहूँ मैडम, उस दिन जो आया था वो अच्छा था। चुप कर, सबके अंदर खामियां निकालते। कॉफी पियेंगे? जाकर ले आ। ओके। कुछ ऑर्डर नहीं देंगे तो बैठने भी नहीं देते ये। फोटो से अच्छे तो असल में ही दिखते हो। किसे ढूंढ रहे हो तुम? तुम्हारे घर से कोई आने वाला है क्या? लड़की कहाँ है? वो नहीं आएगी बेटा। ओ, कॉफी पसंद नहीं आई क्या? हाँ, रिश्ते देखने का कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं है। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? मुझसे बात कर लो ना बेटा, अगर मुझे पसंद आ गए तो मैं उससे बात कर लूंगी। कॉफी शॉप में रिश्ता देखने आया तो सोचा ये कोई नया ट्रेंड है, ओपन माइंडेड फैमिली होगी। लेकिन जब वो यहाँ पर भी नहीं आई तो उसके साथ फ्यूचर कैसा होगा? आई कैन इमेजिन। चलता हूँ बेटा।